हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं फुल ऑन एनर्जी इन अवर चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एनर्जी कुछ अलग लग रही है, वो इसलिए है कि आज पहली बार हम अरविंद अकेला कल्लू उर्फ कलुआ जी की मूवी का रिएक्शन लेके आए, ट्रेलर का रिएक्शन। जी हाँ, मूवी का नाम है विजेता और ये हमें सजेस्ट की है सोनू शर्मा ने। सोनू शर्मा ने ये आवाज इतनी ढीली ढाली इसलिए है क्योंकि नेहा की तबीयत थोड़ी नासाज है और ना जितनी भी वीडियो रिएक्ट कर रहे हैं ना, सब में आप मेरी तारीफ कर रहे हो। किसी को तो बचा रहने दो, सब पूछ रहे थे ना। अच्छा। सब ठीक तो है? ठीक नहीं है सब कुछ, नेहा की तबीयत ढीली है। और जब ये नागिन तबीयत ठीक में ही इतनी खुखार होती है, नागिन तबीयत खराब में तो और ज्यादा खुखार हो जाती है, तो इसलिए हम वीडियो ही नहीं बना रहे हैं। कभी ऑन कैमरा हादसा हो जाए कोई मेरे साथ। तो दोस्तों, देखते हैं कौन विजेता है, किस पे जीत प्राप्त करता है। इसमें अरविंद अकेला कल्लू है, साथ में है अविदेश मिश्रा, सुशील सिंह एंड देव सिंह। ये मेरे ख्याल से पूरी टीम का ही नाम डाल दिया है। तो अकेले हैं कल्लू जी और घिर गए हैं बहुत सारे सिंह से। तो चलिए देखते हैं मूवी कैसी होने वाली है। ये ट्रेलर से अंदाजा लग जाएगा, छोटा ट्रेलर है 3 मिनट का। पहली बार इनकी एक्टिंग देखेंगे, मतलब एक्टिंग तो स्टेज पे देखी है, मूवी में इनकी पहली बार एक्टिंग देखेंगे और देखते हैं कैसे एंटरटेन करते हैं हम सबको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। WC वर्ल्ड वाइड चैनल। अरे बिहार का स्पोर्ट्स ना 2 साल पीछे चला गया। लेकिन नेशनल गेम खातिर काफी नहीं किए। बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बस विशेष सिलेक्शन कमेटी के सामने यह स्पीड होगी के चाहिए। नौकरी के बाद हम जाजी से कर ले लेवानी। अपन सिफारिश अपना पास रखी। जिसका मन बीमारी के शिकार भइनी, बिना वायरस के बीमार भइनी, कुछ समझ में न आवे कंधिया जो भइले। हमर कली कली ये खेल के जा हमर शागिर्द विकी ई रिकॉर्ड के मात्र 45 सेकंड में पार करी। दौड़ दौड़ के बताओ उज्वला, बोल के ना। हमरा जैसा अनाड़े खिलाड़ी को एक नाम पहचान देने वाला कोच का नाम है मिस्टर बाबूलाल मारांडी। झुकल रहा महेश, झुकल लोग हमरा बड़ पसंद आवेला। तू बाप बेटा के सपना कहीं पूरा ना होए, तू भी गुमनाम तो बेटा भी गुमनाम। ओकरी खातिर खेल एक भावना, लेकिन हमारा खाते शुद्ध व्यवसाय 100% बिजनेस। आज विक्की के जगह हमार बबुआ रहती ना, तो रउआ के मान सम्मान के ठेस ना पहुंचती। जे जान दे लेबा ओकरे सम्मान खातिर अगर हमार जान भी चल जाए ना, तो कोनो गम नहीं के। एजा बैठल हमनी सारा केहू जाना तनी कि हमनी बिहारी खेल के प्रति पहले से ही उदासीन मन। हम दौड़ बिहार खातिर। जो जीत को लक्ष्य समझता है, जो हार से कभी न डरता है, जिस मिट्टी से वो बना हुआ उस मिट्टी की लाज वो रखता है। हर मान को धरती पर जो ला कर जोड़ देता। यह धरती पर अगर हम केहू से सबसे ज्यादा नफरत करें तो वो है हमार बाप। बाप तो भाई सच में विजेता मूवी में दम है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा यार। मुझे दोस्तों ये ट्रेलर सच में बड़ा धासु लगा। मतलब सीधी बात, नो बकवास, मूवी में कोई बकवासबाजी में ध्यान नहीं दिया है। स्टार्टिंग में थोड़ा गाना दिखाया, प्यार मोहब्बत का है सीन, लेकिन मेरे को ऐसा लगा भाई ट्रेलर में ज्यादा तो नहीं दिखाया, तो हिसाब से अगर मूवी में भी कम होगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा।
क्यों आपको प्यार मोहब्बत से नफरत? आप पता है आजकल क्या हो गया नेहा, ये इंडिया का ट्रेंड ही बन गया था यार। हाँ, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, हर मूवी में लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी, फौजी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और वहाँ भी लव स्टोरी, और ना हमें तो लव स्टोरी अच्छी लगती, ठीक है, यही लव स्टोरी, गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, घर में कोई मरा हुआ है वहाँ लव स्टोरी चल रही है, ये कुछ ना बकवासबाजी। पता है इससे हटके जो बना रहा है ना वही कामयाब हो रहा है फिलहाल, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, भोजीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई हॉलीवुड तो शुरू से निकल चुका है इस लव स्टोरी वाले पंगे से बाहर, वो तो बहुत अच्छी खासी मूवीज बनाते हैं, ध्यान रखता है बकवास में नहीं बातों में, मतलब काम में। तो दोस्तों ये मूवी में बड़ा दम लगा मैं, क्योंकि देखो उनके फादर साहब थे जो गंजे वाले गंजा सिटी, उनका स्टूडेंट था, उन्होंने तैयार किया ये एक मूवी, मतलब बताता हूँ एक मूवी का वो है, क्या बोलते हैं रीमेक सब बता देता हूँ आपको, क्या है एक मूवी है सनी देओल की, बॉबी देओल की अपने अपने, उसमें भी उनके फादर साहब एक को तैयार करते हैं, वो वहाँ वो जाते हैं बाद में शायद पंगा, फिर वो बॉबी देओल को तैयार करते हैं, ऐसा कुछ सीन है, या सीधे बॉबी देओल को करते हैं उसके हो जाता है, लेकिन ऐसी एक मूवी दो मूवी देखी है मैंने पहले, इस टाइप की मूवीज बन चुकी हैं। तो वो अपने शागिर्द को तैयार करते हैं, शागिर्द पैसे के लिए साइड बदल जाता है, फिर उनका बेटा मैदान में उतरता है कि मैं अपने बाप की मतलब खोई हुई इज्जत वापस लेके आऊँगा, वो तैयारी करता है, वो लड़ता है, ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को मूवी, जो लुक देखा ना वो बहुत ऑसम था। उन्हें अपने कोच का नाम भी दूसरे, ये असलियत में हो चुका है लोगों के साथ, रियलिटी में भी हो चुका है, लोग खेलते हैं जीत जाते हैं, जीतने के बाद बोल देते हैं मेरा तो भाई मेरा कोच था, मेरा तो अंकल ही मेरा कोच था, क्योंकि कोच को पैसे मिलते हैं वो पैसे दिलवाने के लिए, ऐसा रियलिटी में मैं देख चुका हूँ असलियत, ठीक है। तो दोस्तों माइंड ब्लोइंग था ये ट्रेलर, थैंक यू सो मच सोनू शर्मा, आपने ये ट्रेलर में सजेस्ट किया। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी माइंड ब्लोइंग सी वीडियो में सजेस्ट करते रहो, उन पर रिएक्शन लाते रहेंगे, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।